हंसा वैली से तकरीबन चंद घंटे दूर है, हम चंद घंटे दूर है, हाँ एक सवा घंटा हम दूर है अभी हंसा वैली से, और ये टनल से गुजर रहे हैं हम जो हंसा वैली की तरफ जाते हुए आ रही है बीच में। तो वन सेकेंड, बड़े खूबसूरत पहाड़ों के अंदर से काटा, पूरा काटा हुआ पहाड़ों को, बहुत खूबसूरत और बड़ी जबरदस्त टेक्निक से बनाई गई होगी ये टनल। और ये हमारे उल्टे हाथ पे जो है आपको नजर आ रहा है गिलगित शहर है, इसको हमने क्रॉस कर लिया है और इंशाल्लाह हम तकरीबन घंटे में, रास्ता चूंकि ख़राब काफ़ी था और हम बहुत स्लो स्लो आए, चूँकि हमारी गाड़ी करोला है और हम इसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते थे पकाने का, तो इसलिए रास्ते की दूरी सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बजाय रास्ते की थी, ख़राब रास्ते की। ये रास्ता ठीक हुआ है चिलास से तकरीबन, जो ज़ीरो पॉइंट है चिलास का, उससे तकरीबन डेढ़ पौने दो घंटे की ड्राइव करने के बाद, उसके बाद रास्ता बिल्कुल परफेक्ट हो गया और अभी तक जो है ना वो मोटरवे जैसा माहौल है। और जैसे जैसे आप टाइम चाइना बॉर्डर से करीब होते जाएंगे वैसे वैसे ही सड़क और अच्छी होती जाएगी और आप सीपैक के साथ मुंसलिक होते जाएंगे। तो मिलते हैं सर दोबारा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, टेक केयर, टेक केयर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम हंसा की वैली में सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये हमारे कमरे का व्यू है, टेरेस का व्यू दिखाते हैं जो हंसा की खूबसूरत तरीन वैली है। वही माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह, सुबहानअल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि कितना हसीन मंजर है, ये देखें राइट साइड, वही हो बर्फ जमी हुई है और इस वक्त जो है वो ऑफ सीज़न है और इसीलिए आपको इतनी बर्फ़ नज़र नहीं आ रही, वरना तो यहाँ पर शायद बेपना बर्फ़ होती। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, हम उठ गए हैं अब नाश्ते के लिए, थोड़ी देर में हम नाश्ते के टेबल पर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 7:45 बज रहे हैं और हम अपने होटल में बैठे हुए नाश्ता करने के लिए, सामने का मौसम बहुत खूबसूरत। कल हमने कुछ नहीं खाया, आज हम पराठा खाएंगे, आज हम पराठा खाएंगे क्योंकि कल सारा दिन हमारा ट्रैवलिंग में निकल गया। सुबह 6 बजे से हम 6:30 बजे हम निकले थे और हम तकरीबन रात को 10 बजे पहुंचे, सुबह 6:30 से रात 10 तक, और उसमें हमने जो है वो ट्रैवल किया है पूरा विशाम से लेके और हंसा तक। रास्ते में रास्ता इतना ख़राब था तो हमने सोचा कि चलो हम गिलगित में ठहर जाएंगे, लेकिन भाई ने हिम्मत की, उसने बोला नहीं यार बस 3 घंटे जो है गिलगित से हंसा पहुंच जाएंगे, और रास्ता अच्छा मिल गया गिलगित से ऑनवर्ड्स, तो बस फिर हमने बोला चलो डालो गाड़ी। और रात को यहाँ पर होटल भी अच्छा मिल गया ये, तो मैं समझता हूँ कि इवन ये सरीना से बेहतर है क्योंकि सरीना का जो कमरे थे वो बहुत छोटे थे और उनका जो हीटिंग सिस्टम था वो भी काम नहीं कर रहा था और रेट्स बहुत हाई थे उसके, वेरी हाई, मतलब इट्स मोर लाइक पीसी कराची, और सर्विस में वो किसी तरह से भी अच्छी सर्विस नहीं थी उसकी, कमरे बहुत छोटे थे। तो इसलिए फिर हमने इस होटल में, इसने हमें जो रिसेप्शनिस्ट था, ये जा रहा है सामने आफ्ताब इनका नाम है, इन्होंने हमें अच्छे रेट भी दे दिए और कमरा भी अच्छा मिल गया हमें, बेहतरीन गर्म पानी था, रात को शावर लिया हमने फर्स्ट क्लास। तो ये सारी स्टोरी थी कल की हमारी। आज हम नाश्ता करके अभी भाई उठ जाएंगे तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि बल्तित फोर्ट देखना है हमें, लेक्स देखनी है, ग्लेशियर्स देखने हैं, कुंजरा पास देखना है, पासुकोंस देखना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है इंशाल्लाह आज। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम फाइन नाउ, आई वाज रेस्टेड नाइट। हां, यस्टरडे नाइट आई वाज सो टायर्ड, बिकॉज़ वी हैव ड्रोव फॉर अप्रोक्सीमेटली 16 आवर्स, यस, सिटिंग इन द कार ऑल द टाइम। ओके ओके, एंड नाउ वी आर इन हंसा, या, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स
ये जा रही है चाइना बॉर्डर नगर वैली। हाँ ये हाँ इधर हाँ लग ओके या सो हाउ डज दिस साउंड्स टू यू दी हुंजा वैली हाउ डू यू डिस्क्राइब इट दिस इज I'm saying again the same word, amazing, undescribable. Undescribable. Yeah. Okay. And it's lovely. Lovely. Like it's natural. It's lovely. Everything. And it's something which is beyond description. Yes, exactly. Look at this. There are no green, yes. But in summertime, I think this is looking more beautiful. There is greenness also. Yeah, because snow is about to come. Yes, yes. Within couple of days, it's the forecast is the snow, yeah. And even today is the forecast for rain as well. Okay. So and the weather is going to be tough now. Yeah. What is the temperature now? Temperature must be 10. Maybe 10. Yeah. Outside temperature, देखो ना उसमें outside temperature आ रहा होगा सामने हाँ सामने गाड़ी में आ रहा है 12 12 12 is the temperature. Now the temperature is fine. Yes, temperature is fine. But we are going to China border, the Kunjara pass, the temperature, it would be 16,000 meters above the sea level. Yeah. The highest peak of Hunza Valley. Yeah. And over there the temperature would be more tough. Mm-hmm. So let's see what's happened over there. Yes. Thank you. Very exciting. Waiting very much. Thank you. Thank you. Third, fourth. This is the fourth tunnel. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. This is the fourth tunnel. Very beautiful, very pretty. Systematic. And the lighting is very good. बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर हमें drive करते हुए. थोड़ी देर में हम अताबाद लेक का मेन पॉइंट जो है वहां पहुंच जाएंगे. हमारे लेफ्ट पे अताबाद लेक चल रही है. सुन लेते हैं तो ये हमने कहा शेयर करें. बहुत खूबसूरत जगह है यार. इस टनल के अंदर आप ओवरटेक नहीं कर लोग जो है वो बोट्स की राइड भी ले रहे हैं. आपने गाड़ी सीधी चलानी है. आप बस जरा एक 5 मिनट को ओवरटेक करेंगे अगर आगे हमारे वेरी रिस्की है वो. मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे. वादियाँ मेरा दामन. चलो ये खत्म हो गई है.
रास्ते में आते हुए हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ बन रहा है और उन्होंने डैम बना रहे हैं मेरे ख्याल से कोई ना, ये नाम क्या है इसका ये हमें नहीं पता चल पा रहा, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मशीनरी लगी हुई है और बहुत शानदार किस्म का अपैरेटस लगा हुआ है मशीनरी और लोग काम कर रहे हैं। इस सख्त मौसम में भी लोग काम कर रहे हैं भाई, हैट्स ऑफ टू देम। टनल आ रही सामने एक बड़ी खूबसूरत सी, और ये देखिए कितनी अमेजिंग टनल है कि वो पूरा पहाड़ को काटा गया है, इसको पूरे पहाड़ के नीचे से। गुड कॉमेडी यार, क्या हंसी आ रही है, वेरी नाइस कॉमेडी, वेरी नाइस फनी कॉमेडी यार। ईजा यू लाइक द कॉमेडी? आई लाइक द कॉमेडी। ओह वेरी गुड, प्लीज स्माइल, थैंक यू। ओके दूर से देखो, दूर से। हेलो कोई है भाई, कोई है कसम खा, गवाही दीजिएगा आप सब कि मैंने आपको आके सलाम किया था, ठीक है ना? तो मेरे लिए गवाही दीजिएगा कि इसको अल्लाह मियां इसको छोड़ दो, ये बच्चा हल्का है, ठीक है? और सुनाएं बच्चे कैसे हैं आपके? हाउ इज योर वाइफ एंड हाउ आर द चिल्ड्रन? एवरीथिंग ओके? डू यू नीड एनीथिंग? Shall I bring something from you, for you from Karachi? No? You want to come to Karachi? No, no, please don't come there. Stay here. Karachi, this is a good place. Karachi wale isko bhi kuch kar lenge. He will break you in pieces. Okay, okay. You love Pakistan? I love Pakistan too. Yes. Okay, talk to you soon. Bye bye. Take care. I love you. Hey, vatan, pyare vatan. ये सारे मिलने का क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमारा प्यारा वतन है, बहुत प्यारा। हे वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, हे मेरे प्यारे वतन, हे वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, हे मेरे प्यारे वतन, हे वतन प्यारे वतन, तू दिल अफरोज बहारों कतरों ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज अना दिल का बहारी मस्कन, रंग आहंग से मामूर तेरे को दमन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, आ